बनाया जिसने दौलम को उसे अल्लाह कहती हूँ, बनाया जिसने दौलम को उसे अल्लाह कहती हूँ। इज्जत माँ जनाब कमांडिंग अफसर साहब, फर्स्ट मराठा लाई, एसएम साहब, सरपंच साहब, डीसी चेयरमैन मोहम्मद अली साहब, हेडमास्टर हाई स्कूल टैक्सी अली अकबर साहब, असातिज़ा इकराम और माज़िम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। अदब, मैं आप हजरात का ज़्यादा कीमती वक्त न लेते हुए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं खलीलुल्लाह से दावत कर तिलावत कुरान के लिए दावत देती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنحر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم. इसके बाद मैं जनाब गवाह अली वीसी चेयरमैन से गुजारिश करती हूँ कि यहाँ आए और यहाँ तशरीफ लाए और वेलकम स्पीच कहे। यहाँ पर तशरीफ लाए हुए प्यारे बच्चियों, वालिदैन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से एजीएस चलाने के जोश को, चोटियों को सर पे मुस्कराने के होश को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन के बोझ को, मोहब्बत से करते हैं सोच को, ज़रूरत पे जौहर दिखाते हैं दोष को, खिदमत गुजार भी करते हैं फौज को, चमका के रखे खिलते हुए रोज को, मजबूत बना ले दोस्तों भारतीय फौज को, जो सब आते हैं हर महफिल में हौसला देने के लिए अपने दोस्त को। गुआना मौजिज़ हजरात, हम सब जानते हैं कि इस महफिल को चमकाने में सबसे पहले सीओ साहब के तह दिल से हम शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं कल तुर्तुक भी गए थे, तुर्तुक प्रोग्राम था, मैं झूठ नहीं, सच की सच है, तुर्तुक में सिर्फ 7 औरत थे और 8 से 9 मर्द थे, और बस वही टीचर थे, कुछ बच्चे थे, मुझे बहुत अफसोस हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग यहाँ पर जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर आए, मैं समझते हैं ये जोश और जज्बा सीओ साहब के मेहरबान है। सीओ साहब हर सीओ आज 30-40 साल तक बहुत सारे कमांडिंग अफसर आए और गए, हाँ काम भी किए, लेकिन हमारे इस सीओ साहब जो काम करते हैं दिल से करते हैं, साथ साथ सीओ साहब के साथ साथ एजुकेशन जेसू साहब, उसका मैं एक बात मेरे दिल पे छाया हुआ है, वो बात ये है कि एक दिन शायद रोटी 2-4 कम हुआ है, कम होने के बाद जैसे साहब ने यहाँ कहा है कि इधर क्या नाम अली को कहा है कि मुझे 200 रोटी आप लगा के दीजिए, मेरे बच्चों के लिए 200 रोटी चाहिए, ये मैंने सुना है। कितना दिल देते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार देते हैं,
तो उसी प्यार का जवाब देते हुए हमारे जनता ने आज इतना लोग मतलब इस सर्दियों के बावजूद आए, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो आज रिजल्ट का दिन तो कहने के लिए बहुत कुछ, लेकिन वक़्त कम। लोग मैं तकरीर करने के लिए उठने से पहले कहते हैं, गोवाली आप थोड़ा कम बोलिए क्योंकि आप ज़्यादा बोलते हैं, तो बोलने पे मजबूर होते हैं। जहाँ अच्छाइयाँ बढ़ते हैं तो वहाँ बोलने पे के लिए मजबूर होते हैं। जहाँ पर जब हमारे साथ कोई अच्छाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई मशक्क़त नहीं, वहाँ बोलने की ज़बान ही नहीं आती। जिस आदमी को कहीं दुख हो तो उसको बोलने के लिए कहेंगे तो शायद वो बोल नहीं पाएंगे। तो मैं जो आपको फिर दोबारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ जो बात मेरे दिल में आते हैं मैं कहते जाते हैं, क्योंकि तकरीर के शक्ल में नहीं, वैसे एक अपना मशवरे के शक्ल में। तो ये जो एजुकेशन जो हमारे ट्यूशन जो सिस्टम चला है 2 साल, ये रिकॉर्ड चला है क्योंकि चलते आए हैं, आज तक हर साल चलते आए हैं। लेकिन इन 2 सालों में जो बच्चे बने हैं मेरे हिसाब से, तो आज तक ऐसे कामयाब नहीं हो पाया। अच्छा, इसी हिसाब से मैं सीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें आप हमें छोड़ के अभी चंद महीने बाद जा रहे हैं, हमारे हर किसी के दिल में ये दुख है कि हमारा ये जो भी बटालियन और ये सीओ साहब जा रहे हैं, तो हम आपसे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आने वाला बटालियन को भी इस हिसाब से कि आप अपना जो जीव तालीम पे चले, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ जाएँ। और साथ साथ अब बातें आ गया तालीम के बारे में, जहालत ऐब है कि इस्लाम की आइन में इल्म सीखो दोस्तों चाहे मिले चीन में, दो लो नची तमेंगा तम दो सीखों से जू एलुम सूला लोप ना फुर भी इन एलुम सूला लोप नो फुर भी इन ना बो एखा यो कौमी जीत को खुर भी इन दुनिया बो एखा यो माशा लखो ता फुर भी। जैसे कि एलुम जर बना सियो साहब गार पाइन नती दी कौन से नती खिदमत दे दे मकसद पे तो इन एलुम जियो ना पूरा हिंदुस्तान ही लेट बनेंगे, पूरा देश ही लेट बनेंगे। दो जी बेचू तादे निदान रुकोत पता ठीक हो सा चाहे बना रुकोत में ना इना ना बा में एलुम सूला मत ना बोंबुइन एलुम सूला मत ना बोंबुइन लाशी माशास पो खरन दु को स्ट्रांगुइ ना पोला बला थन निमाज जि दु पे गो बुइ हैं जावास तादे ने जो या सी किताब ने गाजर सर माफ चाहते हैं सर, क्योंकि बल्कि जवान में 2-4 शायरी भी करते हैं। अति संभो छगो अफसर सी प्याला फेंजियो अति संभो छगो अफसर सी प्याला फेंजियो कितनी लात पो खेरे नाताओं से मोबाइल छन नहीं मास्टेन चियो अमीन शोबुला मिन भी पेरिया क्यों से मोमो दम से कही किसे चियो नहीं सुन रहा सा वाना। देखो तालीम के लिए सीओ साहब पूरा बटालियन इतनी तालीम मीन है कितना जदोजहद बेच बेन यद में जना इस जात हमल पता है में जी आता समझ रहा है लास खुर फाता से बस इधर की बातता हूं फनी में दो लाइदान से मेहनत बचास बाकी आता हूं नहीं जो बिलखुसूस आऊं वाला बिल लजीराम जिंग आता टैक्सी था एक छोटा सा गांव है, इसके बावजूद लहमो संग आइंदा ने ओ फोन ला हौसला तांस ये ने ओ फोन लंगे आज शर्म सो रीति ए नंगुने से एल न सा अरे सी बारी ने मो मयोदना इदान सी हो जे जो देन यहां चीज रहा तादु शायद नति चिकनी से खाऊं में जो बलात पे ओ नरी मिंग यत पी थर्मोन गबगबी ब्रांस उस्ताद सी गोर नरी जेर बा सबक लाडू मला फे दुन पे काला से अता क्यों से सुफारिश ता से नकिल सबक हो गंदे न सांस इनवेन जो दे मतलब इन जो बेल एग्जाम ही जगला इदान सी चीज रे सिर्फ आप लोग क्या कहते हैं एग्जाम का दिन शायद उस्ताद के सामने आके मेहरबानी करके अपने बच्चे का ख्याल रखना, यही तो कहते हैं आप लोग। हाँ, कोई भी पेरेंट्स कहते हैं एग्जाम का दिन कहते हैं मेरे बच्चे को ख्याल रखना, तो उस्ताद क्या करते हैं, अहो यार इनके घर पे खाया पिया इनके बच्चों को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेंगे, इनको फेल था वो पास कराते हैं। तो इसी को कहते हैं शायरी का मकसद ये है। तो यो तो जो अभी देखो देखना यहाँ कितना जवान गुण शायद मेरे ख्याल लेडीज से ज़्यादा आप लोग थोड़ा शरारत है, मुझे एक शरारत आज भी प्रिंसिपल जैसे साहब ने कहा था कि शायद थोड़ा बहुत आपका कंप्लेन भी आया, ये कंप्लेन शिकायत करने का मौका बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि हम इस दायरे के अंदर जो फोर्स कर IAGS में हो चाहे हायर सेकेंडरी में हो चाहे हाई स्कूल में हो, हम समझ लो कि हम फौज के अंदर हैं, कि फौज जैसे करते हैं वही हमने करना है आजकल के बच्चों को मेरे हिसाब से। तो देखा ना जो इधर साग वाला एलुम सू जर नरी खोपा नसीम पो ग्रक्स जर एलुम सू जर नरी खोपा नसीम पो ग्रक्स जर कितनी हम्बा बुलुक लसंगन पो नाम पे यक्स जर इनमें
हम बा बुलुक लसनान पो चुप पोन आतांग इस तो चुप चांग आतांग इस तो हम बा बुलुक बचा लेकिन सिकुल पन बिल्कुल शराफत नहीं बो बिल्कुल अखलाक नहीं बो पेश होते हैं जिन्हें मैं हैं कितने हम बा बुलुक लसनान पो नाव पे यक्ष से अति संबोल खोलू योद नरी चन ना इमाज हां सास से अति शार को चिची भाई बुबुनी मोसों से इनमें अच्छा मजरूब ऐसे किधर साल से भर मेहनत बिन बिन में लेकिन जी संबा ता से कितनी सजते उस्ताद एहतराम उस्ताद इज्जत बैठ को मन इरी का फर्ज इनमें हमें पहचान चाहिए कि ये टियाक्षी आईडीएस का बच्चे हैं क्योंकि रास्ते से अगर कोई सुने थूकना अगर किसी से मिले तो सलाम कलाम करेगा तो हाँ यार ये आईडीएस के बच्चे हो सकते हैं ये टियाक्षी के बच्चे हो सकते हैं। आज जहाँ तक मेरे अंदाजे में जहाँ तक मेरे हिसाब से अल्लाह के फजल से और हमारा सीओ साहब के मेहनत के बदौलत आज हर सेक्शन में हमारा एजीएस टॉप आ रहे हैं। तो यही मैं गवर्नमेंट स्कूल से पिछले साल मैंने एक दो सवाल पूछे थे कि हर चीज़ में क्लस्टर में भी फास्ट खेल कूद में भी फास्ट हर जगह में एजीएस फास्ट आ रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट का हमारा हाई स्कूल का प्रिंसिपल साहब से मैं पूछना भी चाहता हूँ कि क्यों देते हैं ये सारे चीज़ें हमारे एजीएस को, हम ये भी पूछना चाहते हैं। तो देखिए मेहनत हर जगह से करते हैं, हेड मास्टर साहब भी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन एक तौर तरीका होते हैं जिस तौर तरीका हमारे सीओ साहब ने अपनाया है इसी तौर तरीकों को हम सब ने अपनाया तो इंशाल्लाह हम सब भी जैसे कि दिल्ली का एक बड़े स्कूल का हम कंपटीशन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सोर्स है, हमारे पास फैसिलिटीज है। देखो सर्दियों में हमें कितना अच्छा फैसिलिटीज हमें देते रहा गुआना गुआना तमाया मामे जब मैं गुआना एलुम ही बरान यहाँ शायरी है एलुम सूला जर ना खोला थिक ची में एलुम जर ना खोला थिक ची में शर्गो फिको रिक ची में कुछ है खैर भी जिक ची में सही ना मैं अच्छा उड़ती हूँ चिक दरा चकवाई जुलमत शब्द से अच्छा अपना हिस्से के दिया जलाती शब से अच्छा अपना हिस्सा दयाते चलो। इसका मतलब ये होता है कि नदा सी चिक हाँ चिक अफसर सोसा चिक छोमी सोसा चिक फिको सोसा जर दुगना हम अमीर नहीं बनेगा इनमें यून में नती तमें से बिंजुंगा सी मबे अग्रे शर्ट ठू भी छन ला मधुपा और खुरे ला प्लम पो नदा चलना इनमें चिक फास्ट सोसा चिक सेकंड सोसा चिक ला अखलाक ना चिक ला इंसानियत ना चिक ला फिको ना जर दुगना हम आगे नहीं बढ़ेंगे इनमें हम भी उन्हीं के साथ चलो। अच्छा दूसरा एक अच्छा आदमी हो इस इलाके में एक बाखलाक आदमी हो एक बाकाबिल आदमी हो तो उस अखलाक आदमी बखलाकी बाकाबिल आदमी क्या करते हैं हम देखिए देखो कि वो कि लोगों के साथ किस तरीके से सलूक करते हैं लोगों के साथ किस तरीके से बात करते हैं वही हम भी करें तो हम भी वही आदमी बन जाएंगे जो अखलाक वाले इन्हें एक आदमी मिसाल की बात करते हैं सबसे बदतमीज हो लोग उनको मतलब गालियाँ देते हो तो उनसे दूर रहो तो हम अच्छा आदमी बनेंगे इन्हें سلازد مدرد ناشتاق تو با مدتم فکر مدفا سلازد چند درد ناشتاق تو با مدتم فکر مدفا گوست نامین اکار نوت پوز گره پلاس ناکسوز گره اند بکر مدفا ها کز مکوز نانا ها؟ مکوز نانا؟ اچھا کز مکوز نانا سواش؟ زدمت زرد نشتاق تو مد اینا من لامپوری دیر من سیده ها گوند یاد نا پیوک پی پی چک توک توک مالا افساری پی چک توک توک مالا موب چی تیانگا انتی مالا سپیره سمابا سونا نگا چی درو لیلیلی دیو زدمت پی چک توک بدتمی شی نانزر و میزر خان چوکو می بود توک توک زر و میزر تا یان پی چک مالا شرگوی مالا غریبی مالا چان زمت تی پی چک توک مومو سلام علیکم گا شخص جو چاز مگو دیو زنگا چی درو چی درو نگا چی हाँ जचन फ्रीची तो ले दूं चिल्ला हम फ्रीची तो जरूर मिलेगा गुआनस्पेरो लेक्स ना थारिंग सों गुआने इतनी शर्तें इन्शाल्लाह हुल अजीज नहीं ची ख़दमत बारगोस ना ची बारगोस ना याद सम्म बोलती भी फेरी जो नती मास्टर ब्राह्मण साहब यहाँ नती मास्टर अमीनुल्ला साहब लोगों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत मेहनत की है इन्शाल्लाह हम इन सबको भी दुआ गो हैं सबसे ज़्यादा सी ओ साहब और इस बटालियन के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अभी जगनंगा मोहम्मद अहमद चाह जब यहाँ जरखा नली सत्यू वसलम असलम।